डिटरमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वन लाइनर नोट्स जो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर बेसिक्स से, जो आपका रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो C2 जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसके सारे चैप्टर्स से सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वन लाइनर इम्पोर्टेंट नोट्स रेडी किया गया है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में जस्ट एक ओवरऑल रिवीजन बोल सकते हो। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, करीब मैंने 15 to 20 पॉइंट्स यहाँ मेंशन किया है, आइए देखते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं 1 मार्क्स का, उसमें ये आपका इसमें यूज हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको इसको MCQs के फॉर्म में मेंशन नहीं किया है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स मेंशन किया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर, सो आंसर विल बी रोम। विच सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है? तो कंप्यूटर में हमारा मेन सिस्टम बोर्ड है दैट इज नोन एज मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड से ही हमारे जितने ही पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी है, वो मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर इज नोन एज व्हाट? सो बस इज अ डिवाइस और एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली, सो बस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ठीक है, वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट इज कंसिडर्ड एज वॉट? सो आंसर विल बी लॉजिक गेट्स। इसको आप लॉजिक गेट को डिफाइन जब करने आता है शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट इज कंसिडर्ड एज लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स का यूजेस क्या क्या है और लॉजिक गेट्स का टाइप्स क्या क्या होते हैं, सारे का सिंबल्स, सारे का ट्रुथ टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इज रैम स्टैंड फॉर डैश, मीन्स आपको रैम का फुल फॉर्म बताना है। सो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे आपको आ सकता है रोम, ROM स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से आपके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म्स है, वो आपको देख लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैश मेमोरी इज लोकेटेड इन साइड द CPU। ठीक है, CPU के अंदर ही आपका कैश मेमोरी लोकेटेड होता है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, कैश मेमोरी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच डिस Which device is responsible? So answer will be address bus. ठीक है? Now question number 9, data is stored in a computer in which form? Data computer में किस form में store होता है? तो data is stored in a computer in binary form. Binary means always 0 and 1 because computer understands only these two data, that is 0 and 1. ठीक है? So whatever the signal human being is passing through the input devices, that signal or information is being converted into binary form 0 and 1, then it goes for the further processing. Now come to question number 10. What are the important components of a CPU? So important components of a CPU are ALU, CU and MU. ALU stands for arithmetic and logic unit, which does all the arithmetical and logical types of calculations. CU is control unit, ठीक है, जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, एंड MU is memory unit, which stores data for further use. Fine. So ALU, CU and MU, that is memory unit, are the important components of a CPU. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज फुल फॉर्म ऑफ BCD। तो फुल फॉर्म ऑफ BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट, मतलब कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है?
तो कंप्यूटर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर के कौन से डिवाइस के थ्रू होता है? तो कंप्यूटर के सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम होता है, और सीपीयू को छोड़कर बाकी जितने भी डिवाइसेस है दैट इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स आउटपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द बेस ऑफ एन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज व्हाट? सो बेस ऑफ एन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। तो इसी तरह से आपका जो बेस ऑफ एन डिफरेंट नंबर सिस्टम होता है, जैसे आपका डेसिमल हो गया, डेसिमल का 10 होता है बेस, बाइनरी का 2 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, तो ये आपको चार तरह के फॉर्मेट जो नंबर सिस्टम होते हैं सारे का बेस आपको याद करना होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज डैश। सो प्रोसेस्ड डेटा मीन्स यूजर जब इनपुट प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या कहलाता है? तो जब वो प्रोसेस्ड डेटा हो जाता है उसके बाद कंप्यूटर के टर्म्स में उसको हम लोग एक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, बिकॉज दैट इज नाउ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट, सो दैट इज नाउ नोन एज इंफॉर्मेशन, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन टू अ कंप्यूटर इज नोन एज डैश। मीन्स जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शन एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसको कंप्यूटर के टर्म्स में क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर के टर्म्स में हम लोग जो डेटा एंटर कर रहे हैं दैट इज नोन एज इनपुट। इनपुट कंप्यूटर का एक साइकिल होता है जिसपे वो वर्क करता है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, मींस इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट, सो फर्स्ट स्टेज इज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लॉजिक गेट से आपका क्वेश्चन है, विच गेट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल गेट? हमारा दो टाइप का गेट होता है, एक होता है यूनिवर्सल गेट, एक होता है बेसिक या फंडामेंटल गेट्स। तो फंडामेंटल गेट्स होते हैं एंड और नॉट गेट आर नोन एज बेसिक और फंडामेंटल गेट्स, जिससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। और यूनिवर्सल गेट्स होते हैं नॉर और नैंड गेट्स, ठीक है। नॉर एंड नैंड दो गेट्स को हम लोग यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 जो आप देख रहे हो, विच गेट्स आर कंसिडर्ड एज अ बेसिक और फंडामेंटल गेट्स, सो आंसर विल बी एंड और एंड नॉट गेट आर कंसिडर्ड एज बेसिक और फंडामेंटल गेट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 19 आपका न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम से कन्वर्सन वाले टॉपिक से है ये। सो द क्वेश्चन इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज व्हाट? तो आपको इसको वन लाइनर तो नहीं है ये, इसको आपको सॉल्व करके आपको रफ में देखना होगा, और अगर आपके एमसीक्यूज में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो प्रॉपर जो एकदम करेक्ट आंसर है बिट बाय बिट आपका इसमें सही होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। सो द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज 11001। आप इसको रफ में कैलकुलेट करके देख सकते हो, कन्वर्ट करके डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको आप मेंशन करो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच नंबर सिस्टम यूजेस द ए टू एफ फॉर्मेट? सो आंसर विल बी द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस द ए टू एफ फॉर्मेट। ए से हम लोग 10 को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग 11, 12, 13, 14, 15 चला जाता है, और उसके कॉम्बिनेशन से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया कुछ वन लाइनर नोट्स। वो कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है तो टीचर्स का भी एग्जाम होता है, तो कल हमारा जो C2 पेपर का एग्जाम है तो उसके लिए स्टूडेंट्स तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, साथ में मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ वन लाइनर नोट्स MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो मैं भी वही MCQs के फॉर्म में ही वन लाइनर नोट्स प्रिपेयर करी थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो जाए कि उन लोगों को एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स अगर प्रॉपर आ जाए सही आंसर देकर, दैट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। सो आई हैव प्रिपेयर्ड
वन लाइनर नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.